पशु चिकित्सा स्नातक इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग के छात्र छात्राओं ने अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर जमकर नारेबाजी की। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग के छात्र छात्राओं ने अपनी लंबित मांग पशु चिकित्सा स्नातक इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने को लेकर कई बार विभाग प्रमुख को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। बावजूद इसके अब तक किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाने से छात्र छात्राओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर सिविल लाइन स्थित समृद्धि बाजार के बगल पर बने दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय भवन पर संचालित पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग के छात्र छात्राओं ने परिसर पर अपना आक्रोश व्यक्त कर जमकर नारेबाजी की और दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आर के सोनवानी को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। यह हम आपको बता दें कि कामधेनु विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया है कि वर्तमान में मिलने वाली इंटर्नशिप भत्ता काफी कम है, जो आज की बढ़ती महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। 2012 में 4600 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिए जाते थे, आज की परिस्थितियों में काफी कम है। उन्होंने बताया कि MBBS और आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम के समान हमारा चयन नीट के प्रावीण्य सूची के आधार पर होता है और इस पाठ्यक्रम की अवधि 5.5 वर्ष है। हम अपनी सेवाएं शासकीय पशु चिकित्सालय कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जंगल सफारी चिड़ियाघर कुक्कुट पालन इकाई गौठान गौशाला आदि में देते हैं। इंटर्नशिप अवधि के दौरान हम आपातकालीन सेवा 24 घंटे प्रदान करते हैं। इसके लिए विभिन्न स्थानों में यात्रा करनी पड़ती है, वरन अपने राज्य के जिलों के अलावा अन्य राज्य में भी सेवाएं देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में दिए जाने वाले इंटर्नशिप भत्ते में आर्थिक भार वहन करना मुश्किल हो रहा है। इसी मांग को पूरा करने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदर्शन शुरू किया गया है। इस संबंध में न्यूज टीम को कामधेनु के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमें सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही होती है, जैसे सर्विसेज देने हैं अपनी वेटनरी सर्विसेज के लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, उसके लिए खर्चे बढ़ते हैं और पेट्रोल का खर्चा हमें खुद ही अपने जेब से देना पड़ता है। जो भत्ता मिलता है हमें महीने का वो इतना काफ़ी नहीं रहता कि उससे हम अपनी सर्विसेज दे सकें और अपने खुद की चीज़ें वो कर सकें। तो इसलिए इस चीज़ के लिए चाहते हैं कि भत्ता बढ़े। और हमारे कॉलेज में लगभग 300-400 बच्चे हैं, सब चाहते हैं कि ये चीज़ हो, सबको इससे फायदा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे कॉलेजेस में बढ़ा है भत्ता, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में बढ़े और जो भी हमें कठिनाई होती है वो हमें ना सहना पड़े। जैसे अभी ये प्रदर्शन कर रहे हो तो उसको लेकर कोई ज्ञापन वगैरह किसी को सौंपना है, कुछ ऐसा कुछ किया आपने? हाँ, पहले दे चुके हैं ज्ञापन। ये हम कॉलेज में असल में 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कॉलेज को बात करने की, लेकिन कॉलेज वाला है कि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कॉलेज से। तो आगे आप लोगों किस तरह का रहेगा सर? आगे हम कोशिश करेंगे, यही जारी रखेंगे स्ट्राइक, यदि हमें कुछ नहीं हुआ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो। इंटर्नशिप का भत्ता जो हमें कम मिलता है वो हमारे लिए सफिशियंट नहीं होता है, हमें ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज चाहिए, वो भी कम है। ऐसा नहीं है कि हम बस यही सेवाएं देंगे, दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो वहाँ का खुद का खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का भी चाहिए और उसके बाद हम यहाँ फिजिकल देंगे इंटर्नशिप के दौरान, और AI सेंटर है वहाँ भी जाएंगे, और बहुत सारे डेयरी फार्म है, पोल्ट्री है, यहाँ सब भी सेवाएं देंगे। तो वहाँ वो सब तो पास नहीं है ना हमारे कॉलेज में, हमको तो वो सब भी बाहर ही देना है। ठीक, मेरी कॉलेज अंजोरा के छात्र हैं हम। इंटर्नशिप के दौरान हमें साल भर में जो है प्रति माह 46 रुपए दिया जाता है इंटर्नशिप भत्ता, बाकी राज्यों में ये 18,000 रुपए से लेकर 23,000 तक है। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल से ये बढ़ोतरी नहीं की गई है, हमको अन्य राज्यों में भी जाकर अपनी सेवाएं देनी पड़ती है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन हमारी एक भी बात नहीं सुन रही है। इसको लेकर आपने कहीं कोई प्रयास किया कुछ? इसको लेकर हमने बहुत बारी जो है कॉलेज प्रशासन की ओर से भी कार्यवाही की गई है, लेकिन राज्य सरकार से कोई हमें जवाब नहीं मिल रहा है। किस तरह की मांग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा जो इंटर्नशिप भत्ता है 46 रुपए, उसको बढ़ाकर 18,000 किया जाए, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमें बहुत कम पैसा मिल रहा है, तो हम नहीं कर सकते, इतनी सेवा नहीं दे सकते। हमारी ड्यूटी 24x7 रहता है, साल के 365 दिन हमारी ड्यूटी रहती है, साथ में हम लोग नाइट ड्यूटी और इमरजेंसी सेवा भी देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।